सो गाइज देखो, सबसे पहले तो गाइज मेरा जो हेडशॉट रेट है क्लैश स्क्वाड रैंक में, वो गाइज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो गाइज मेरा लगभग 3000 किल्स है और मेरा जो हेडशॉट रेट है ना वो गाइज अभी फिलहाल 73% है। उसको गाइज मैं बहुत ही जल्दी 90% भी कर लूंगा, क्योंकि गाइज देखो इतना ज्यादा किल में से इतना ज्यादा हेडशॉट रेट मेंटेन करना काफी ज्यादा टफ होता है। तो गाइज देखो मैं आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं पर्सनली क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करता हूँ जो मेरा हेडशॉट रेट इतना ज्यादा है। मतलब लगभग मेरा सभी गोली हेडशॉट ही लगता है, हेडशॉट ही मैं मारता हूँ। ऊपर से मतलब एक दो गोली तो बॉडी शॉट लगी जाता है, वो सभी का लगता है, बट ज्यादातर मेरा हेडशॉट लगता है। अब गाइस देखो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बोलूंगा जो गाइस अगर आप लोग फॉलो करोगे ना तो गाइस आपका जो हेडशॉट है वो बहुत ही ज्यादा लगेगा और आपका ऑटोमेटिक सीधी सी बात है हेडशॉट रेट भी काफी ज्यादा हो जाएगा। और हेडशॉट रेट को गाइस आप लोग जल्दी से जल्दी 90% 95% भी इजीली कर लोगे। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, काफी ज्यादा छोटा वीडियो होगा, बट हां गाइस देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से ऑन कर दो, हमने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर देना। और इस वीडियो का जो लाइक एम रखता है वो है 7000 लाइक, 7000 लाइक जल्दी से जल्दी करा देना। सो गाइस चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो जो फर्स्ट नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो मैं कौन से रेंज में रहकर खेलता हूं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि गाइस देखो रेंज बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, पहला है शॉर्ट रेंज, दूसरा है मिड रेंज और तीसरा है लॉन्ग रेंज। अब मैं गाइस देखो मैं ज्यादातर मिड रेंज में खेलता हूं। अब गाइस देखो आप लोग शॉर्ट रेंज में भी हेडशॉट मार सकते हो, मिड रेंज में भी मार सकते हो, लॉन्ग रेंज में भी मार सकते हो, ये गाइस हर एक बंदे को पता है। बट मैं आप लोगों को हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑलवेज मिड रेंज में फाइट करो। शॉर्ट रेंज में गाइस मार सकते हो आपके ऊपर है, बट मिड रेंज में गाइस सबसे ज्यादा हेडशॉट लगता है, उसमें गाइस डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है आपका और एनिमी से। तो गाइस इसीलिए जो हेडशॉट है ना वो काफी ज्यादा इजी लग जाता है। शॉर्ट रेंज में थोड़ा टफ है हेडशॉट मारना और लॉन्ग रेंज में भी थोड़ा टफ होता है। मतलब देखना आप लोगों का ज्यादा बॉडी शॉट आएगा फिर एक दो हेडशॉट लग सकता है, बट मिड रेंज में सबसे ज्यादा इजी जो होता है वो ड्रैग हेडशॉट मारना, सिंपली ड्रैग कर दोगे हेडशॉट लग जाएगा। तो मिड रेंज में आप लोग यूएमपी यूज कर सकते हो, उसके साथ आप लोग लॉन्ग रेंज का भी गन यूज कर सकते हो वुडपेकर, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट ही करूंगा कि आप लोग मिड रेंज में ही ऑलवेज फाइट करो अगर आप लोगों को सीरियसली अपना हेडशॉट रेट बढ़ाना है तो। और वैसे गाइस आप लोग सीएस रैंक में क्ला का यूज भी कर सकते हो एकदम शॉर्ट रेंज के लिए, वो गाइस फर्स्ट राउंड में ही वर्क करता है वरना वर्क नहीं करता। तो फर्स्ट राउंड के लिए आप लोग क्ला का भी यूज कर सकते हो, ये गाइस आपके ऊपर है। इसके बाद गाइस देखो जो सेकंड नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो मैं आप लोगों को दो ऐसे कैरेक्टर बताऊंगा जो गाइस आप लोग हेडशॉट रेट बढ़ाने में मदद करेंगे। मतलब ये दो कैरेक्टर मैं भी यूज करता हूं जब भी गाइस मेरे को मतलब मैं क्लैश स्क्वाड रैंक खेलता हूं। और इन दोनों कैरेक्टर से क्या होता है ना आपका जो एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस इसी वजह से गाइस आप लोगों का जो गोली है ना वो हेड पे चिपक जाता है, हेडशॉट आपका इजी लग जाता है। तो गाइस देखो सबसे पहले नंबर जो कैरेक्टर है वो दशा, गाइस आप लोगों को दशा लेना है। इसके बाद गाइस देखो जो सेकंड नंबर कैरेक्टर है वो है आप लोगों को डीबी कैरेक्टर लेना है। इन दोनों कैरेक्टर गाइस आप लोगों को लेना है, इन दोनों कैरेक्टर से आप लोगों का जो एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो गाइस इसी वजह से आप लोगों का हेडशॉट भी लग जाएगा। और इन दोनों कैरेक्टर के अलावा बाकी दो कैरेक्टर गाइस आप लोग अपने मनपसंद कैरेक्टर ले सकते हो, वो गाइस आपके ऊपर है। और वैसे गाइस अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए कि क्लैश स्क्वाड रैंक के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कौन सा होगा उसके ऊपर गाइस अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में मतलब आप लोग मेरे को बता देना यार कि इस टॉपिक में मेरे को वीडियो चाहिए, तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक में भी बता दूंगा आप लोगों को। इसके बाद गाइस देखो जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो है मैं पर्सनली कौन सा गन कॉम्बिनेशन यूज करता हूं। देखो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, शॉटगन पूरा अवॉइड करो, शॉटगन का गाइस आप लोगों को यूज नहीं करना है। M1014 M1887 गाइस आप लोगों को जितना भी वन टैप देना आता है, बट शॉटगन आप लोग अवॉइड ही करो। आप लोग SMG गन यूज करो शॉर्ट रेंज के लिए, मतलब शॉर्ट रेंज और मिड रेंज के लिए। सबसे पहले गाइस आप लोग UMP ले सकते हो, वरना MP40 रखो, वरना गाइस MP5 Level 3 रखो। इन तीनों में से आप लोग कोई भी रखना है जो गाइस आप लोगों को सुइटेबल हो, इन तीनों गन में से आप लोग कोई भी रख सकते हो। और लॉन्ग रेंज के लिए गाइस आप लोगों को मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वुड पेकर ले लो भाई, एक वन टैप मारोगे, एक अगर आप लोग का हेडशॉट लग गया तो ऐसे ही बंदा मर जाएगा। तो गाइस लॉन्ग रेंज के लिए आप लोगों को वुड पेकर रखना है और उसके साथ आप लोग मतलब वुड पेकर या फिर AC-80 ड्रैगन, ये गाइस आपके ऊपर है जो भी आप लोगों को मिलेगा, बट वन टैप वाला ही गन यूज करना है आप लोगों को लॉन्ग रेंज में। इसके बाद गाइस देखो जो फोर्थ नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो ना ही आप लोग हैकर हो ना ही मैं हैकर हूं। तो गाइस आप लोग का हर एक गोली तो हेडशॉट नहीं लगेगा ना, एक दो गोली आप लोग का बॉडी शॉट भी लग सकता है। तो गाइस तो अगर आप लोग का बॉडी शॉट से कोई बंदा नॉक हो गया तो गाइस आप लोगों ना उसको फिनिश नहीं करना है। आप लोग बहुत बंदे क्या करते हो, आप लोग उसको फिनिश कर देते हो, तो गाइस ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग उसको रिवाइव होने का टाइम देना है, उधर से भाग जाना तो उसका जो एनिमी का जो टीममेट है ना वो गाइस उसको रिवाइव देने आएगा, ग्लू वॉल लगा के रिवाइव देगा। तो वो एक बार रिवाइव होने के बाद जब फुल हेल्थ हो जाएगा तब गाइस आप लोग उसको मार सकते हो। बट गाइस देखो कभी भी मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी शॉट का किल आता है आप लोग का बॉडी शॉट से नॉक होते हो तो गाइस अगर आप लोग बॉडी शॉट से उसका किल ले लोगे ना तो गाइस आप लोग का हेडशॉट फट से बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। तो गाइस इसी वजह से आप लोग का बॉडी शॉट का किल एकदम ही अवॉइड ही करना है। और कोई बंदे को अगर बॉडी शॉट से नॉक कर भी दोगे तो उधर से हट जाना, अपने टीममेट को बोल देना भाई उसको फिनिश मत कर, तो सामने वाले एनिमी जब उसको रिवाइव करेगा फिर रिवाइव होने के बाद फिर गाइस आप लोग उसको हेडशॉट इजीली मार पाओगे। इसके बाद गाइस देखो जो फिफ्थ नंबर ट्रिक है वो है गाइस आप लोगों को कम से कम किल करना है, बस जितना भी करना है गाइस आप लोगों को हेडशॉट का ही किल करना है। बहुत बंदे क्या करते हो ज्यादा से ज्यादा किल के चक्कर में मतलब क्या करते हो 10 किल करते हो, 10 में से गाइस आप लोगों का 5 हेडशॉट रहता है, 5 गाइस आप लोगों का बॉडी शॉट रहता है।
तो वो करोगे तो गाइस आप लोग का हेडशॉट रेट 50% आ जाएगा, जो कि गाइस देखने में मतलब देखने में इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस तो अगर आप लोग अपना हेडशॉट रेट मतलब 90-80 रखना है ना, कम से कम किल करो, बट जितना भी करो हेडशॉट का ही करो। इसके बाद गाइस देखो जो 6 नंबर ट्रिक है वो आप लोग को स्कोप का यूज नहीं करना है। गाइस अगर आप लोग लॉन्ग रेंज गन चला रहे हो तो स्कोप का यूज कभी मत करना, नॉर्मली मतलब ड्रैग हेडशॉट देने का ट्राई करना। स्कोप इन हेडशॉट मारने जाओगे तो ज्यादातर गाइस आप लोग का बॉडी शॉट ही आएगा, और एक बार अगर बॉडी शॉट आ गया तो हेडशॉट रेट फट से कम हो जाएगा। तो स्कोप का यूज आप लोग नहीं करना है, और गाइस आप लोग ग्रेनेड का यूज नहीं करना है, और आप लोग को AWM का यूज नहीं करना है। इन तीनों गाइस, ये तीनों का ना आप लोग यूज कभी भी नहीं करना है, ये तीनों चीज गाइस आप लोग कभी भी यूज नहीं करना है। इसके बाद गाइस देखो मैं आप लोग को लास्टली एक बोनस ट्रिक बता देता हूँ। गाइस देखो आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ट्रेनिंग में जाके गाइस आप लोग प्रैक्टिस करो हेडशॉट का। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा गाइस आप लोग क्लैश स्क्वाड रैंक में अच्छा खासा एनिमी को हेडशॉट दे पाओगे। और बाय द वे गाइस ये वीडियो आप लोग कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस क्या करो, फटाफट लाइक कर दो। मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो गाइस जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जाके मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो गाइस। और गाइस देखो अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड रैंक मैच रैंडम प्लेयर के साथ खेल के जीतना है ना, तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को कुछ फुल मैप रैंक का टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट लेट वाली वीडियो भी देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।